For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. कपिल आपसे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा? आप गए हो? अच्छा, बड़ी सारी एक्चुअली बातें बनी. मैं भी बात करना चाहता था इस मुद्दे पे, लेकिन कुछ तो हुआ, लेकिन बहुत कुछ दिखाया भी गया. हाँ जी, रुकिए रुकिए. हेलो, आई थिंक मोबाइल है कुछ. मोबाइल सिग्नल है किसी का. एक्चुअली आप सब बेहतर जानते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी सारी चीज़ें आईं. मैं जिन दिन ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, मैं एक्चुअली अपसेट था. और मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आई एम नॉट ए गॉड, हर इंसान गलतियां करता है. मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं परेशान होता हूँ ना, तो मैं थोड़ा, आई एम फ्रॉम पंजाब ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है. तो मैं एक्चुअली अपसेट था बहुत सारी चीज़ों को लेकर. जब आप एक इतनी बड़ी टीम लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और मैं बहुत ही बुरा हूँ इस मामले में, अपने आप को मैं कहता हूँ. हालांकि टचवुड, हम लोग बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं. और मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली. आई लव हिम, और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. मैं खुद सुनील को, जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था, तब मैं उनको बोलता था कि एक सुनील करके हसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं. एक मैं उनका वहाँ पे शो देखा था, मुझे अच्छे लगते हैं. बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो आप, बहुत कुछ सीखते हो. तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं. चीज़ें ऐसी कुछ हो गई, मुझे, मैं इतना इरिटेट हो गया था कि शो, मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ. खुल के जाना चाहते थे एक्चुअली. मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचते ही, पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत ख़राब था. ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती, जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो. जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई. मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे. और हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ से, मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फ़ोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं. तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई. मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूँ और छत पे जाता हूँ. तो रजाई उठा के लेके जाता हूँ, वहाँ पे कट, पैकअप हो गया. अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था, तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई. सो मुझे, मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय. तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली. उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफ़ी डिले हो रहा है, बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आदमी का दिमाग क्यों ख़राब होता है. तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला, तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है, हम आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते. मुझे नुकसान फ़ायदा नहीं तब समझ में आता है, हम नॉट ए बिजनेसमैन. हम लोग चले गए. जब शो शुरू होने वाला था, एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है, मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, सब मेरे पास आती है. हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पर टैकल करना चाहिए. तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियां दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज़, क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे. तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला ख़त्म हो गया. उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहाँ पे, उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था. मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है, मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो. मैं हूँ थोड़ा इम्पल्सिव, क्योंकि मुझे आदत है. ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए. उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है, वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं, हम लोग, मेरे को भी नहीं मिला. मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले, मैं सॉरी बोलूँ, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियाँ दे दी जो भी. फिर वो मुझे मिला ही नहीं. फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे, तब तक नहीं मुझे मिला. 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी. उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में. तो सुनील भी था, वो वर्ड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों. पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं. अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता, मुझे खाली इतनी, मुझे शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत मुझे, मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज़्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है. पर अगर मेरी जगह सुनील होता, तो मैं एक बार जाके ज़रूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने,
तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है? तो शायद कुछ भी नहीं होता, पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। आई लव हिम, और कहीं भी होगा सुनेगा तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम। अच्छा, मैं वैसे मेरा अभी मेरे से सवाल किया नहीं गया, वैसे ये भी था राजीव भी कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया मैं। मैं उसी जगह पे बैठा होता, हमारी टीम के मेंबर पीछे बैठे हुए हैं, बहुत लोग वहां पे थे, प्रेशर बहुत था मेरे दिमाग में एक्चुअली जेन्युइनली। और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ, और भी सवाल होंगे। आपने शाहरुख भाई को सेट से लौटाया है ना, बड़ी खबरें आती हैं, मैं बताता हूँ आपको, जो आप कुछ भी लिख देते ना कई लोग। अच्छा, एक आदमी कोई लिखता है, मुझे एक ये बड़ी प्रॉब्लम है मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कुछ बोला शायद, एक आदमी अगर कोई ऐसी न्यूज लिखता है ना सूत्रों के अनुसार, ये सूत्र कहाँ रहते मुझे नहीं पता, सूत्रों के अनुसार, और वो आगे दूसरे वाले भी वहां से उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने सर एक्चुअली जेन्युइनली, मैं जब लैंड किया ना, आया मैंने एपिसोड शूट किया, वापस फिर यहां से राजस्थान की फ्लाइट ली जयपुर, जयपुर से 6 घंटे बाय रोड, मैं सोता नहीं था सारी सारी रात, इतने प्रेशर में काम कर रहा था। मैंने सारी न्यूज जब मेरी फिल्म का वाइंड अप हो गया, मैंने 2 महीने बाद देखनी शुरू की, कम से कम 1000 न्यूज होंगी, किस कोई दिखा रहा है ये है कपिल के 2 दुश्मन शनिदेव और जैक डेनियल की बोतल, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। यार दुनिया में सब इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि अगर मेरा कोई पीआर नहीं, मैं आपको सच्ची में बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी कोई पीआर नहीं रखा, मुझे ये प्रोसेस ही नहीं पता था। ये पहली बार जब फिल्म की ना मैंने किस किस को प्यार करूं, तब इन्होंने कहा कि ऐसे पीआर टीम आएगी, तो मैंने कहा अब्बास भाई वो मतलब क्या हिसाब किताब होता है, कहते वो आपकी तरफ से ऐसे फिक्स करेंगे, मीडिया के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। मैं कहा अच्छा, मैं खुद ही करता रहता हूँ, मुझे ना कभी कुछ सोशल नेटवर्किंग चलानी आती, एक ट्विटर आता है उसके भी पंगे पड़े रहते हैं, तो मैं हूँ थोड़ा इम्पल्सिव, पर मैं जैसा हूँ अभी नहीं चेंज हो सकता ना मैं तो, पर हाँ दिल का मैं बड़ा साफ। मेरी बात बीच में थोड़ी रह गई, मैं बात कर रहा था कि हमारी टीम के मेंबर भी वहां पे कुछ थे पीछे बैठे हुए, मैं भी था उधर, वहां पे बहुत लोग थे। भरत भाई आप होते तो शायद झगड़ा नहीं होता, कल भाई सोते रह गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ भाई बहनों में, आप भी सब लोग फैमिली वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों की लड़ाई होती होगी, दोस्तों की, माँ बहन, बेटा भाई सबकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो जूता मारना, ये बातें, ये इस बारे में किसी टीम ने, मुझे बड़ा दुख लगा, इतनी अच्छी टीम थी, इतनी फैमिली, किसी ने आके ये नहीं बोला कि ये गलत बात है, ये र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ ही एक्चुअली। ये इन चीजों को ज्यादा दुख लगता है कि आप बात किसी को रातों रात विलेन बना देते हो। एक खबर मैंने ये भी पढ़ी कि कपिल के आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था, मैं क्या दूसरी फ्लाइट से कूदा था, उसी फ्लाइट में तो था मैं। तो ये सब मनगढ़ंत स्टोरियां जब बनाते हैं लोग, फिर बड़ा दुख लगता है, फिर लगता है कि यार ठीक है, पर अब तो क्या। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोई वैसे कभी बात होती है तो कि जूते कभी इतने महंगे पहनता है तो नहीं, उसमें पहने थे, उसमें जुराबे पहनी थी जो फ्लाइट वाले देते हैं। हाँ, सॉरी, हाँ अच्छी अच्छी बातें कर, मेरे बारे दूसरी फिल्म दूंगा तुझे। किसी टीम मेंबर ने ऑन स्टेज टीम से, कपिल का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसी ऑन स्टेज टीम मेंबर ने ये आके प्रेस के सामने नहीं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं सच में बोलूं, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था तब, तो मैं एक्चुअली सच बताता हूं अपने बारे में, ठीक है हम लोग पी पू लेते हैं, पर मैंने फिल्म जब के लिए जब फिट होना था, मैंने बिल्कुल ही पीना छोड़ दिया था। और इवन सोनी की सक्सेस पार्टी थी, सोनी टीवी की, हमारे शो की एक्चुअली, तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो भी हमारे बॉस, सब ने मुझे कहा कि ले लो, मैं कहा नहीं मुझे वेट लूज़ करना है, 10-12 किलो वेट लूज़ किया, और सडनली 10-12 किलो चर्बी आप निकाल देते ना, उसके बाद 2 ड्रिंक मार दो, वो 4 जितना नशा करती है, तो काम उसने खराब किया।